हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। वीक की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी धमाकेदार शुरुआत देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि वीकेंड को कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त हलचल मची हुई थी। उसका कारण यह था कि 12 जून को सुचेता दलाल जी ने एक ट्वीट किया था। उसके बाद लोगों में काफ़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिले सोशल मीडिया के ऊपर। कई ने इस ग्रुप के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये इस ग्रुप के बारे में ये कहा जा रहा है, तो उसका एक पैनिक मूव हमें आज मार्केट में देखने को मिला। जैसे ही शुरू हुआ, निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद और एक न्यूज़ आई थी, NSDL ने 3 FPI के अकाउंट जो थे जिसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स थे वो फ्रीज कर दिए। उसके बाद और पैनिक यहाँ पर क्रिएट हुआ और मार्केट में एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट आ चुका है, उसके बारे में कहा गया कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, लबलब लबलब कहा गया। और इसके बाद मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे थे, उसमें भी एक हल्की सी रिकवरी आते हुए देखी, लेकिन अभी भी पैनिक का माहौल है। जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है, तो हो सकता है एक पैनिक भरा मोड हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। आज जो निफ्टी इंडेक्स में फॉल आया था IT और रिलायंस के वजह से, फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स रिकवर करते हुए दिखाई दिया और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके लगभग क्लोज हुआ है। और एक न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन के बारे में। हर महीने का इन्फ्लेशन का डेटा आता है, तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, 6.3 हो चुका है मई का इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ना यानी एक तौर पे देखे तो डिमांड जो है वो भी मार्केट में अभी भी है, लेकिन सप्लाई कम है। लेकिन डिमांड मार्केट में होना काफ़ी बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अगर भाव अगर बढ़ जाते हैं तो जो मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए काफ़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ना यानी एक ना एक संकेत है कि डिमांड मार्केट में अभी भी ज़बरदस्त है। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेटा है और को जो सोशल मीडिया पे वीकेंड में जो चल रहा था उसके बारे में एक जस्ट ये जो ट्वीट था हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी पोस्ट कर दिया था संडे को। तो होप जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने वेल प्रिपेयर होके इस जो मूव है इसका फ़ायदा उठाया रहेगा। तो कल के लिए क्या निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का ये एक मूव देख लेते हैं जो हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था। ब्रेकडाउन लेवल हमारा बन रहा था 15783 और जैसे ही ओपन हुआ ये क्रैश हो के यहाँ पर 15600 के आसपास पहुँच चुका। तो जब भी ऐसा पैनिक भरा न्यूज़ आता है, समझो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, वॉर शुरू हो चुका है या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है, तो इस तरह से पैनिक मूव हमें देखने को मिलती है। तभी जो लेवल्स हम निकालते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो उस समय काफ़ी हद तक काम नहीं करते। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में ये जो फ्री फॉल आता है, ये बिग मूव आती है, उसका फ़ायदा लेने के लिए प्रिपेयर होना और जो न्यूज़ चल रही है ग्लोबल न्यूज़ हो या फिर नेशनल न्यूज़ हो उनके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो आज एक लंबा टेल छोड़ दिया है। जो रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बुल्स अभी भी एक्टिव है, लेकिन इसने नया हाई नहीं क्रिएट किया है। कल का फ्राइडे का जो क्लोज था उसी के लगभग आसपास आके ये क्लोज हुआ है। अगर वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में अभी भी ज़बरदस्त बुलिश सेटअप बना हुआ है। तो वीकली चार्ट में जब तक ये 20 EMA के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तब तक निफ्टी इंडेक्स बुलिश है, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। क्योंकि ये जो सेटअप है तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और इसके ऊपर इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो ये इसे एक्सट्रीमली बुलिश सेटअप कहा जाता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में। फ्राइडे को जो हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे वही लेवल्स होंगे कल के लिए भी, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, क्योंकि उसी जोन में आके निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो ऊपर 15834 को ब्रेक करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15851, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15869, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 15768, जस्ट 20 EMA के ऊपर, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15751, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं।
बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिली पहले हाफ एन आवर में, और उसके बाद एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी, और जो ब्रेकडाउन लेवल था उसी के पास आके इसने रेजिस्टेंस एक पॉज लिया है, स्टॉप लिया है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ से मैं 60 मिनट को कन्वर्ट कर देता हूँ, और अभी निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा स्विंग लो बन के ये बाउंस बैक हुआ है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके नीचे चला आता है और 34850 को ब्रेक करता है तो ही निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 34783, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34713, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ आता है निफ्टी इंडेक्स तो ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर आने दीजिए कंफर्टेबली, यानी अराउंड 3568 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35129, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 35195, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए और निफ्टी के भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।